वो है एरर्स इन सी लैंग्वेज। कल के लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। तो सोर्स कोड क्या है? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों पड़ती है? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड की समझ आती है। कंप्यूटर डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड कर सकता है। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है कि बग क्या है, डिबगिंग क्या है, टाइप्स ऑफ एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर और सिंटैक्स क्या होता है। हमने देखा था कि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखना सीखेंगे। प्रोग्राम्स लिखते हुए प्रोग्रामर से डिफरेंट मिस्टेक्स हो जाती हैं, डिफरेंट गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को बोला जाता है एरर। तो बग क्या है? एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। जो मिस्टेक्स होंगी, जो एरर्स आएंगे आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसको बग बोला जाता है। इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डीबगिंग? जो एरर्स आपके प्रोग्राम में आ गए हैं, अब उन एरर्स को ढूंढना और उनको रिमूव करना। तो फाइंडिंग एंड रिमूविंग का जो प्रोसेस है, एरर्स की फाइंडिंग एंड रिमूविंग का जो प्रोसेस है, उसको डिबगिंग बोला जाता है। डिफरेंट तरह के एरर पढ़ेंगे। तो सेंटेक्स एरर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने रिव्यू लिया, सेंटेक्स एरर्स को कौन डिटेक्ट करेगा? कंपाइलर करेगा, ठीक है। और ये भी हमने देखा था कंपाइलर में कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई सेंटेक्स एरर है, तो जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। और अगर आपका कोई जो है वो रन टाइम एरर है या रन टाइम एरर है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? सिंटैक्स एरर जब तक आपके रिमूव नहीं होंगे, प्रोग्राम विल नॉट बी कंपाइल। और जब तक आपके रन टाइम एरर रिमूव नहीं होंगे, प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो तीन तरह के एरर्स हैं हमारे पास, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड एरर रन। सेंटेक्स एरर क्या है? सेंटेक्स एरर को समझने से पहले हम सेंटेक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हर लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के रूल्स क्या हैं कि जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान स्पेस आती है। जब आपकी स्टेटमेंट एंड होती है, जब आपकी कोई सेंटेंस एंड होता है, तो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगता है। इसी तरह और बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपने एक सेंटेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं लिखा। सेम ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हुए भी आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। और उन रूल्स को क्या बोला जाता है? सेंटेक्स। क्लियर है? सी लैंग्वेज में जब हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, अगर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए सी लैंग्वेज के किसी रूल को फॉलो नहीं करते, तो फिर हमारे पास जो एरर आएगा उसको सेंटेक्स एरर बोला जाएगा। और वो स्टेटमेंट जिसमें हमने उन रूल को फॉलो नहीं किया होगा, उस स्टेटमेंट को इनवैलिड स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो सेंटेक्स एरर क्या है? सेंटेक्स एरर इज ए टाइप ऑफ एरर डेट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन प्रोग्राम। यानी जब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हो जिसमें आपने सी लैंग्वेज को लिखने के रूल्स फॉलो नहीं किए, तो फिर आपके पास किस किस्म का एरर आ जाएगा? सेंटेक्स एरर। क्लियर है? उसके बाद है कि जो सेंटेक्स एरर्स आगे हैं अगर आपके प्रोग्राम्स के अंदर, इनको कौन डिटेक्ट करेगा, इनको कौन डिस्प्ले करेगा, इनको कौन रिमूव करेगा? तो कंपाइलर जो है,
हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपाइलर ने क्या करना है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में एक तो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना है, दूसरा इसने डिटेक्ट करने हैं सेंटेक्स एरर्स। जब तक आपके प्रोग्राम से तमाम सेंटेक्स एरर रिमूव नहीं हो जाते, आपका कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, आपकी कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो सेंटेक्स एरर्स को कौन डिटेक्ट करता है? कंपाइलर। और अगर आपके प्रोग्राम में एक भी सेंटेक्स एरर है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, कि वहाँ पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि हु डैश डिटेक्ट सेंटेक्स एरर। तो सेंटेक्स एरर्स को कौन डिटेक्ट करता है? कंपाइलर। सेंटेक्स एरर के कुछ कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज की क्या होंगी? कुछ रूल्स हैं हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए। उसमें से एक रूल है कि जब भी आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है और आप उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो, तो इसमें आपकी हर स्टेटमेंट जो है उसके एंड पे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमी कॉलन डालना होता है। ठीक है, अगर तो आपने एक स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद आपने दूसरी स्टेटमेंट लिख दी लेकिन पहली स्टेटमेंट को आपने सेमी कॉलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड नहीं किया, तो आपने रूल को फॉलो नहीं किया, आपका क्या आ जाएगा? सेंटेक्स एरर। सी लैंग्वेज के अंदर हम जो हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं, इसको भी हम अपनी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनके स्पेलिंग्स हमारे पास फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर का कीवर्ड है हमारे पास, प्रिंट एफ का कीवर्ड है, स्कैन एफ का हमारे पास कीवर्ड है। ये जो कीवर्ड्स हैं इनकी हमेशा यही स्पेलिंग रहेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा कीवर्ड लिख दिया है वो 32 आपने वो कीवर्ड जो है वो हम लोग रिमेम्बर कर लेंगे। तो अगर आपने उन 32 कीवर्ड्स में किसी कीवर्ड को मिस स्पेल कर दिया है, इसका मतलब है फिर भी आपने रूल को फॉलो नहीं किया, तब भी आपका सेंटेक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद है एनी ऑफ डेलीमीटर इज मिसिंग। डेलीमीटर्स क्या होते हैं? ये जो आपके सामने कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसिस एंड है, इसको डेलीमीटर बोला जाता है। जब भी आपने सी का प्रोग्राम लिखना है तो आपने जो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं वो आपने इन डेलीमीटर्स के दरमियान लिखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 स्टेटमेंट्स लिखनी हैं तो वो 10 स्टेटमेंट्स को एनक्लोज किया जाएगा स्टार्टिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस यानी कि डेलीमीटर्स के दरमियान। अगर आप स्टार्टिंग डेलीमीटर डालना भूल जाते हो या आप क्लोजिंग डेलीमीटर डालना भूल जाते हो, इसका मतलब है फिर भी आपने सेंटेक्स रूल को फॉलो नहीं किया, फिर भी आपके पास सेंटेक्स एरर आ जाएगा। क्लियर है? ये थ्री रूल्स हैं कि ईच स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज इज एंडिंग विथ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आप वो रूल फॉलो नहीं कर रहे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाल रहे, तो भी आपका सेंटेक्स एरर आ जाएगा। इसमें 32 कीवर्ड्स हैं, उनके स्पेल आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखने होते हैं। अगर आप उसको मिसस्पेल कर रहे हो फिर भी आपका सेंटेक्स एरर आ जाएगा। और आपने तमाम अपनी स्टेटमेंट्स को डेलीमीटर्स के दरमियान लिखना होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग डेलीमीटर डालना होता है। अगर आप एक भी डेलीमीटर को मिस कर जाते हो, स्टार्टिंग को या एंडिंग को, फिर भी आप सेंटेक्स को फॉलो नहीं रहे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंटेक्स एरर की। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारे पास एक स्टेटमेंट है इंट ए कोमा बी। अब ये स्टेटमेंट एंड हो गई है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होनी है तो उसके एंड पे हमने सेमी कॉलन डालना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना है। यहाँ पे अगर आप नहीं डाल रहे तो इसका मतलब है कि आपके पास सेंटेक्स एरर आ जाएगा। हमारे पास एक कीवर्ड है एफ ओ आर फॉर। आपने एफ ओ आर फॉर लिखने की बजाय एफ डबल ओ आर फॉर फूड लिख दिया है, तो आपने जो कीवर्ड इस्तेमाल करना था फॉर, उसके आपने स्पेलिंग्स ठीक से नहीं लिखे, तो भी आपका सेंटेक्स एरर आ जाएगा। वॉइड मेन, इसके बाद स्टार्टिंग ब्रेसिस आ गई और आपने स्टेटमेंट्स लिखनी शुरू कर दी लेकिन आपने एंडिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं डाली, कंप्लीट डेलीमीटर्स आपने नहीं किए, तो भी आपके पास सेंटेक्स एरर आ जाएगा। जी, नंबर टू है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या है? लॉजिकल एरर्स आते हैं जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, उसके पुअर लॉजिक की वजह से। पुअर लॉजिक का मतलब है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फार्मूला डालना था, आपने अपने कोई प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन डालनी थी, तो वो कंडीशन या फार्मूला अगर यूजर ने
गलत लिख दिया है, रॉन्ग लिख दिया है, तो उसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी रॉन्ग आएंगे. तो स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर मे प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग रिजल्ट्स. तो लॉजिकल एरर किसकी वजह से आते हैं? प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से. और जब प्रोग्रामर जो है वो लॉजिक या फार्मूला कंडीशन ठीक नहीं डालता, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आपके जनरेट हो रहे होते हैं वो भी रॉन्ग आ रहे होते हैं. लॉजिकल एरर आपके कंपाइल भी हो जाते हैं, लॉजिकल एरर आपके एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं, यानी इसमें आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में भी कन्वर्ट हो जाता है और रिजल्ट्स भी जनरेट करता है. लेकिन जो रिजल्ट्स जनरेट करता है वो रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं होते. लॉजिकल एरर्स को बोला जाता है इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर. इन एरर्स को ढूंढना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से प्रोग्राम हमारा स्टॉप नहीं हो रहा, क्रैश नहीं हो रहा, प्रोग्राम जो है वो कंपाइल भी हो रहा है, प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, ठीक है. तो इसमें लेकिन रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? रॉन्ग. तो फिर क्या जो प्रोग्रामर है, जो यूजर है, उसको क्या करना पड़ता है? पूरे प्रोग्राम को दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है कि कहाँ पे रॉन्ग फार्मूला या कंडीशन लगा दिए जिसकी वजह से मेरे पास रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इसमें काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक कंडीशन लगनी थी कि ए लेस देन 5 है. अब उस प्रोग्रामर से टाइप करते हुए लेस देन की जगह ग्रेटर देन का सैंपल जो है वो टाइप हो गया, जिसकी वजह से कंडीशन टोटली ऑपोजिट रिजल्ट देने शुरू कर देगी. सेम ऐसे प्रोग्रामर ने एक फॉर्मूला लिखना था, एवरेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5. इसकी जगह मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह उसने जो है वो डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया. इसकी वजह से भी उसको रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे. तो लॉजिकल एरर्स में क्या होता है कि पुअर लॉजिक या पुअर कंडीशन एंड फार्मूला जो है वो प्रोग्रामर लगा देते हैं, जिसकी वजह से रॉन्ग रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रन टाइम एरर. रन टाइम एरर के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा, कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम, जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास जो एरर्स आएंगे उनको रन टाइम एरर बोला जाता है. रन टाइम एरर्स को कौन डिटेक्ट करता है? कंप्यूटर. और कब डिटेक्ट करता है? एग्जीक्यूशन के दौरान. रन टाइम की वजह से क्या होता है? रन टाइम एरर्स की वजह से अ स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन, कि जो स्टेटमेंट आपने प्रोग्रामर ने लिखी होती है कंप्यूटर के अंदर, रन टाइम में एक्चुअली क्या करना है? फॉर एग्जांपल, यूजर से बोला जाता है कि आप जो है 2 नंबर्स एंटर करें, और फार्मूला लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ए डिवाइडेड बाय बी, और यूजर से बोला जाता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी. यूजर ने ए की वैल्यू एंटर कर दी 3 और यूजर ने बी की वैल्यू एंटर कर दी 0. हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो एक इलीगल ऑपरेशन जनरेट कर देता है. तो इसमें क्या हुआ कि उस स्टेटमेंट की वजह से यूजर ने रन टाइम पे वैल्यू एंटर की, और जो उसने वैल्यू एंटर की है उसकी वजह से एक इलीगल ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. तो दीज आर एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. जैसे कोई रन टाइम एरर आता है तो हमारा प्रोग्राम, हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाती है, और उसका जो कॉज है, उसका जो मैसेज है, वो सेंड किया जाता है. रन टाइम एरर्स अकर ड्यू टू द रॉन्ग इनपुट फ्रॉम यूजर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. इसकी वजह क्या है कि यूजर को एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसे इनपुट मांगी जाती है, और वो जो इनपुट देता है वो रॉन्ग दे देता है. जैसे मैंने आपको अभी बताई, ए की वैल्यू उसने 4 एंटर कर दी, 3 एंटर कर दी, और डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू उसने 0 एंटर कर दी, तो 4/0 जो है ये एक इलीगल ऑपरेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास रन टाइम एरर. कुछ एग्जाम्पल्स है डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, या यूजर से बोला गया कि आप कोई फाइल जो है वो फाइल का नेम एंटर करें, तो उसने किसी ऐसी फाइल का नेम एंटर कर दिया जो हमारे पास मौजूद नहीं है. ये कंप्लीट लाइन थी. द यूजर मे आस्क द प्रोग्राम टू ओपन ए फाइल डेट डज नॉट एग्जिस्ट. उसने किसी ऐसी फाइल को ओपन करने का बोल दिया जो हमारे सिस्टम में नहीं है. आज के लेसन घर के लिए आपकी असाइनमेंट है कि आपने हिस्ट्री ऑफ सी पॉइंट्स के साथ जो है वो आपने असाइनमेंट बनानी है, और टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, ये आपने कल मुझे असाइनमेंट सेट करनी है. उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. आपको कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.